वेलकम स्टूडेंट्स, एसेम्प्टोट्स चैप्टर में लेक्चर फिफ्थ हम आज ले रहे हैं। कल मैंने लिमिट मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, हाउ टू फाइंड एसेम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व बाय द लिमिट मेथड, ठीक है। एंड यस्टरडे वी डिड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। For the sake of convenience, I am emphasizing on cubic curve because most of the questions of your book or most of the questions which are asked in the examination are from cubic curve. So yesterday we did two type of questions. Look here. पहले तो हम ये recall करें कि when we apply limit method. Limit method हमें कब अप्लाई करना है, इसकी क्या ट्रिक है या क्या पहचान है। तो कल हमने ये देखा था कि अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, जैसे यहां पर हम क्यूबिक कर्व की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे थर्ड डिग्री टर्म होगी। तो अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म फैक्टराइज है, पहले से करा हुआ है, तब आप लिमिट मेथड जरूर लगाएं, है ना। इट विल बी बेनिफिशियल, ये आपको जल्दी आंसर देगा, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको अगर फाइनल मेथड लगाओगे, पहले आपको इन सबको वापस मल्टीप्लाई करके ओपन करना पड़ेगा। तो ये लिमिट मेथड का हमारा एडवांटेज है, फैक्टराइज फॉर्म में हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है। अब आप यहां देखिए, दो तरह के क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें हाइएस्ट डिग्री टर्म मीन्स क्यूबिक टर्म्स कैसे फैक्टराइज है। यहां पर आपको तीन फैक्टर, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अलग अलग मिल रहे हैं। तीनों फैक्टर अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तीनों लीनियर हैं, होमोजीनियस हैं और तीनों ही नॉन डिप्यूटिंग है। नॉन डिप्यूटिंग का मतलब इन तीनों के ऊपर होल पावर वन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया। फिर सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसमें जो क्यूबिक फैक्टर फैक्टराइज है वो इस तरह से फैक्टराइज है कि एक फैक्टर तो लीनियर होमोजीनियस और नॉन डिप्यूटिंग है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो लीनियर है, होमोजीनियस है, लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग विद टू पावर। तो इन सच क्वेश्चन हमें दिमाग में क्या बात रखनी है कि इस क्वेश्चन पे हम लिमिट मेथड अप्लाई करते हैं, इस बात को पहले चेक करते हुए कि ये जो फैक्टर यहां ट्वाइस रिपीट हो रहा है, ये वापस यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वन पावर में। अगर ये फैक्टर यहां वापस आएगा तो ही लिमिट मेथड लगेगा, ठीक है। अब आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में आपको ऐसे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस और मिलेंगे जिनमें आपको इन दोनों टाइप्स के अलावा क्वेश्चन मिलेंगे या दिखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आए हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x-3y+1 whole square (x + y) = ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया है, इवन आरएएस एग्जाम में भी आया हुआ है, ये लिखा हुआ है इसके आगे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन की क्या यूनिक बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को इन दोनों केसेस से कंपेयर करते हैं तो हमको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात या कुछ अजीब बात दिखती है। देखिए आप ध्यान से, क्या अजीब बात है यहां पर, अभी जस्ट मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी यहां पर हमें कोई लीनियर फैक्टर रिपीटिंग मिलेगा और ये फैक्टर लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है, तो यहां पर ये फैक्टर वापस वन पावर में मिलेगा। तो यहां पर हम इसी बात को जब चेक करते हैं तो ये फैक्टर मुझे यहां पर रिपीटिंग मिल रहा है, रिपीटिंग है ये, लेकिन क्या ये लीनियर एज वेल एज होमोजीनियस है। तो आप देखिए, ये लीनियर तो है बट इट इज नॉट होमोजीनियस। व्हाई नॉट होमोजीनियस? बिकॉज ये तीनों टर्म आपकी सेम डिग्री की नहीं है। ये वन डिग्री टर्म है, ये वन डिग्री टर्म है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट के होने के कारण ये जीरो डिग्री टर्म है,
और फिर यानी कि होमोजेनियस नहीं हुआ, और फिर दूसरी बात ये जो फैक्टर यहां रिपीट हो रहा है ये वापस यहां वन पावर में नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या हम इस पे लिमिट मेथड लगाएं? इस पे लिमिट मेथड लगेगा, लेकिन पहले हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे? हमें पहले इसकी इस कर्व की जो इक्वेशन की शक्ल है वो ऐसी बदलनी पड़ेगी। कैसे बनाया आप इसको देखिए, आप इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूं। कैसे ओपन कर रहा हूं? इसको आप मन में मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। 2x-3y इज ए एंड 1 को बी मानकर इसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूं तो व्हाट आई गेट? 2x-3y होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओके इंटू एक्स प्लस वाई। और इस राइट हैंड वाली टर्म्स को हम एलएचएस में ट्रांसफर कर लेते। अब देखिए फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देखिए यहां पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट से, तो इसको मैं अंदर ले जाता हूं तीनों के साथ। तो आई कैन राइट 2x-3y होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस 2x-3y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस। अब जब ये फैक्टर इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स प्लस वाई, उसको मैं इसके साथ क्लब कर रहा हूं मतलब जोड़ रहा हूं लाइक टर्म्स। तो यहां पर x और माइनस 8x को जब मैंने एड किया आई गेट माइनस 7x, फिर प्लस वाई और प्लस 2y को मैंने एड किया तो आई गेट 3y एंड माइनस 9 को स्विच। अब आप देखिए इस लाइन में हमने इस गिवन कर्व की इक्वेशन थोड़ा चेंज कर दिया, तो क्या ये जो चेंज्ड फॉर्म इक्वेशन की बनी कर्व की क्या ये ऐसी बन गई क्या? देखिए आप अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको दिख रहा होगा ये बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो लीनियर फैक्टर अब होमोजेनियस बन चुका है, पहले ये होमोजेनियस नहीं था ड्यू टू वन, अब वन हमने हटा दिया, ये फैक्टर रिपीटिंग है और ये फैक्टर वापस हमको यहां पर मिल रहा है। तो वी कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की रही बात थी, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। तो हम कैसे करते हैं याद कीजिए, एसिम्प्टोट हम पहले लिखेंगे, एसिम्प्टोट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर। अब यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एसिम्प्टोट निकलेगी, और मैंने आपको कल बताया है कि जो फैक्टर रिपीटिंग होता है उसके लिए दो पैरेलल एसिम्प्टोट निकलती है, और जो फैक्टर वन पावर में होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एसिम्प्टोट निकलती है। तो इन दिस वे वी विल फाइंड थ्री एसिम्प्टोट्स। तो इसके लिए मैं आपको फाइंड करके बता देता हूं, इसके लिए आप अपने आप कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया टाइटल। अब आप मेन बात वापस से याद कीजिए कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एसिम्प्टोट निकाल रहे हैं जिस फैक्टर के, उसके कोफिशियंट से इक्वेशन को डिवाइड करें। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकल रही है, इसका कोफिशियंट कौन है? एक्स प्लस वाई। तो डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाई एक्स प्लस वाई, तो आप देखिए ध्यान से क्या होगा, जब मैं इसको x प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो यहां पर तो ये हट जाएगा, x प्लस वाई यहां भी हट जाए। देखो ये इस क्वेश्चन की फिर एक नई बात हो गई, क्योंकि यूजुअली और क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है, यहां पर ऑटोमेटिकली ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगर यहां पर कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसको वन मान लीजिए, फिर आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है -7x + 3y -9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। और फिर आप याद कीजिए मैंने यहां पर ये जगह किसलिए छोड़ी है, बिकॉज यहां पर मैं वो लिमिट लिखनी है, कल हमने सीखा है ये। तो आप लिमिट जो हम दो लिखते हैं यहां पर, एक तो एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी
एंड देन वाई बाई एक्स टेंड्स टू, वो नंबर हम यहां से फाइंड करेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई विथ माइनस साइन, तो इट बिकम्स 2/3। अब आप देखिए यहां पर बाई चांस 1 आया क्योंकि ये फैक्टर इससे कट गया। अगर ये नहीं कटता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर मैं x माइनस वाई कर, एक सेकंड के लिए मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, तो क्या होता, तब यहां पर 1 नहीं आता बल्कि क्या लिखते हैं अपन, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। फिर यहां पर इसकी भी लिमिट निकलती क्योंकि यहां पर ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड लिमिट। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा ढंग से। अब आपको यहां पर क्या करना है, लिमिट फिल करनी है, तो आप देखिए इधर 2x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3y, और कल हमने सीखा है लिमिट कैसे यहां पर हम क्रिएट करेंगे, हमको यहां पर अंदर y अपॉन x की टर्म क्रिएट करनी है। तो y अपॉन x की टर्म कैसे क्रिएट होगी, जब मैं इसमें ऊपर नीचे x से x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैं x से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये लिमिट यहां पर एज इट इज मैं वापस लिखूंगा, इट बिकम्स माइनस 7 प्लस 3y बाई एक्स माइनस 9 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज 2x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3y। अब आप इसको लिमिट अगर यहां फिल करें तो वी विल गेट माइनस 7 3 इंटू 2 बाई 3 दैट इज 2, और ये 9 बाई एक्स की लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें ये वाली लिमिट फिल करनी पड़ेगी, और नीचे 1 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3y। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस 5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस 2 बाई 3 दैट इज 5 बाई 3, तो 5 कैंसिल हो जाएगा अपॉन जैसे, और ये 3 जो है इसका एडिशन भी ऊपर चला। अब कल आप बताइए, मैं आपको इस स्टेज पर क्या बात बताएगी कि अब आपको यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एसिम्प्टोट्स मिल रही है, यानी दो एसिम्प्टोट्स आ गई है, तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर कि रफ से हम इसको पहले कुछ एज्यूम कर ले, सपोज इसको मैं अल्फा एज्यूम कर लेता हूं 2x माइनस 3y को, तो इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3। ये यहां पर एग्जाम में आपको सेम प्लेस पे करके बताने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर लीजिएगा और यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं वापस, अल्फा जाएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 3 एंड 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अब मैं दोनों फैक्टर्स को यहां पर सेपरेटली 0 करके लिखूंगा, ये मुझे दो एसिम्प्टोट मिल गई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर 2x माइनस 3y। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक बात आपको चूंकि आप नए हैं फर्स्ट ईयर में, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यूजुअली जो आपके एग्जांपल्स होते हैं बुक्स में, वो दीज एग्जांपल्स आर मोर आस्क इन एग्जामिनेशन रादर देन एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। बट इन रिसेंटली अगर आप पेपर्स देखोगे पिछले 5-7 सालों के, तो एग्जाम्पल आर आस्क मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन क्वेश्चंस, यू शुड फोकस ऑन एग्जाम्पल्स मोर। ठीक है, क्वेश्चंस भी आप करें, क्योंकि क्वेश्चंस ही करने से एक्चुअली आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी।
फिर आप देखिए एक क्वेश्चन मैं उसको दोबारा पूरा तो नहीं कर रहा हूं, केवल इसकी जो जो इसकी यूनिक जो इसकी इसका फीचर है जो इस क्वेश्चन को अलग बनाता है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। ये भी एग्जांपल है आपकी बुक में, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो फिर वही छोटी सी आपको दिक्कत महसूस होगी, एक तो यहां पर ये फैक्टर जो आ रहा है ये लीनियर है, होमोजीनियस है और रिपीटिंग है, लेकिन क्या ये फैक्टर वापस मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दूसरा जो फैक्टर है ये रिपीटिंग तो नहीं है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये लीनियर है बट इट इज नॉट होमोजीनियस एंड इट इज नॉट रिपीटिंग। तो हमारे दिमाग में अगर वो नक्शा बना हुआ है, कौन सा नक्शा, कि ये फैक्टर लीनियर होमोजीनियस रिपीटिंग होना चाहिए और ये फैक्टर दूसरा वाला लीनियर होमोजीनियस होना चाहिए और फिर ये फैक्टर यहां वापस आना चाहिए वन पावर में और यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है, ये अगर आप दिमाग में अगर आपने सेट कर रखा है तो लेट अस ट्राई टू चेंज दिस इनटू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब हम इसको करते हैं तो आप बताइए यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ये टू नहीं आना चाहिए, अगर ये टू नहीं आएगा तो फिर ये फैक्टर होमोजीनियस बन जाएगा, तो इसके लिए मैं यहां पर इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने क्या किया, इस फैक्टर से यहां पर इसको अलग मल्टीप्लाई कर दिया और टू को अलग मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर जो राइट हैंड वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैं लेफ्ट हैंड में लेके आ गया। अब आप लेट अस कंपेयर, क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया या अभी भी कसर बाकी है? तो जब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम बन चुके हैं, लेकिन यहां दिक्कत आ रही है। मैंने आपको रिपीटली क्या कहा है कि जो फैक्टर यहां रिपीटिंग है वो यहां पर वापस वन पावर में आना चाहिए, वन पावर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वापस रिपीट होकर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप दिमाग में रखिए, केवल ऐसा ही, ये इज अ सिंगल क्वेश्चन जिसमें रिपीटिंग फैक्टर वापस रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी द सेम मेथड ऑफ सेम लिमिट मेथड ऑफ फाइंडिंग एसिम्प्टोट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकालता हूं तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स प्लस टू वाई से। तो जब मैंने इसको x प्लस टू वाई से डिवाइड किया, अब यहां पर दिमाग में आपको क्या रखना है कि डिवाइड करने के बाद जब हम लिमिट लगाएंगे तो जिस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोट निकल रही है उस पर तो कभी लिमिट लगेगी नहीं, ठीक है, चाहे वो यहां पर वन पावर में आ रहा हो या टू पावर में आ रहा हो, तो लिमिट केवल इस पर होगी। ये फैक्टर कहां से आया, इसको डिवाइड करने से आया, यहां पर मैं लिख दूंगा अभी लिमिट, फिर आप इधर आइए, एक्स प्लस नाइन वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लिमिट आप खुद निकालिएगा इस क्वेश्चन में। तो बस मेन बात मुझे आपको बतानी थी, आप यहां लिमिट लिख लेते हैं, तो लिमिट क्या आएगी बताइए, एक तो लिमिट आएगी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और सेकंड लिमिट आएगी वाई बाई एक्स टेंड्स टू, और इसका यहां से निकालना पड़ेगा इसके लिए नंबर, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई विथ नेगेटिव साइन, ये आपको मन नहीं करना है काम, ये आपको यहां लिख दिया माइनस वन, बाकी लिमिट निकालना। अच्छा, यहां पर लिमिट निकालने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम लगे, आपको लगे यहां तो कॉन्स्टेंट आ रहा है, अब लिमिट कैसे निकली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें वही काम करेंगे जो आप इसमें करेंगे। इसमें कौन सा काम करेंगे हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, तो यहां पर भी यही करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स है, तो आप ऊपर नीचे केवल इसी को मैं अगर आपको सिंपलीफाई करके बताऊं तो ऊपर नीचे में इसमें एक्स का डिवाइड बताऊंगा, यहां I will get this
ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में नहीं लिख रहा हूं, केवल इस पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए आप ऊपर 1/x बनेगा, क्योंकि ऊपर 1 था पहले और हमने x से डिवाइड लगाया। अब अगर उसमें लिमिट फिल करते हैं तो दिस लिमिट, द लिमिट ऑफ दिस पार्ट बिकम जीरो, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी यहां अप्लाई करने पर ये जीरो बन जाएगा और नीचे नॉन जीरो बन रहा है। ये भी आप देख लीजिएगा, जीरो के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इट मींस क्या हो गया, इसकी लिमिट तो हो गई जीरो, लिमिट ऑफ दिस पार्ट इज जीरो, ठीक है। और इसकी लिमिट आप करना चाहे तो क्या आएगी, 1+x से डिवाइड करके लिमिट फिल कर रहा हूं सीधे, 1+9y/x मींस -9 जीरो हो जाएगा और नीचे 1 -2, तो इट इज -8/-1 दैट इज +8। इसका मतलब ये पार्ट जीरो हो गया और ये +8 हो गया, +8 का मतलब माइनस साइन पहले से बीच में था, ये लगा दिया हमने, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये एग्जांपल है तो आप इसको बुक में और ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहां पर इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो आई विल गेट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज +-2। तो दीज आर द टू एसिम्प्टोट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट हमें फिर यहां पर एस्टेब्लिश होता है कि अगर जब भी फैक्टर लीनियर है, होमोजीनियस है और रिपीटिंग है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो पैरेलल एसिम्प्टोट प्राप्त होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।